गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ विंग्स के लेटेस्ट अफोर्डेबल नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स विंग्स स्लिंग 100। तो ये आते हैं कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर। बॉक्स के ऊपर विंग्स की ब्रांडिंग स्लिंग 100 नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स मतलब कि मॉडल नेम दिया हुआ है। साइड में कुछ की फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह, बाकी पीछे की तरफ कुछ और भी डिटेल्स दिए हुए हैं जैसे कि इंपोर्टेड मार्केट बाय डेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है चाइना, MRP है 2499 रुपीज, लेकिन अभी के लिए 999 के मिल रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है अपना मेन प्रोडक्ट मतलब कि नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है कुछ और सामान जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स, इसके अलावा एक USB A2 Type-C वाली चार्जिंग केबल, साथ में है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि एक यूजर गाइड, साथ में एक वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड। 1 ईयर की हैसल फ्री वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट की जो कि काफी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट कुछ भी नहीं है तो वापस आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। अब सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर वाला वेरियंट, इसके अलावा टील और ब्लैक कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नेकबैंड जो है सॉफ्ट टच मैट फिनिश के साथ में आता है, लुक एंड फील के मामले में अच्छा दिखता है। विंग्स की ब्रांडिंग बाहर की तरफ है लेफ्ट साइड में। बाकी जो नेकबैंड है राउंडेड ब्राइज फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ है जिसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। राइट साइड में यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन्स, एक माइक, एक नोटिफिकेशन LED, साथ में एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। बाकी जो नेकबैंड से वायर जाता है ईयरबड्स तक, ये भी थोड़ा सा स्पेशल टाइप का रबराइज वायर है, लाइनिंग जैसी दिखती है इसके ऊपर, और ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल लगता है कंपेयर टू बेसिक रबराइज वायर। कहीं भी फस जाता है तो जल्दी से टूटने वूटने के चांसेस नहीं है। बाकी जो ईयरबड्स का जोड़ है ये भी काफी ड्यूरेबल है। ईयरबड्स जो है मेटल प्लस प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं, ईयर क्लिप्स इनके ऊपर लगे हुए हैं, अंदर की तरफ टिल्टेड डिजाइन मिलता है, बाहर की तरफ विंग्स का लोगो दिया हुआ है, लेफ्ट राइट के सिंबल्स भी बाहर की तरफ है। बाकी जब यूज करते हैं नेक में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो राउंडेड वाला डिजाइन है इसकी वजह से कंफर्टेबल रहते हैं, साथ में ये काफी लाइट वेट भी हैं। ईयरबड्स हैं ये भी टिल्टेड डिजाइन के हैं, तो कानों में जब लगाते हैं तो काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, और इनके ईयर क्लिप्स की वजह से अच्छे से फिट मिल जाता है। वर्कआउट रनिंग जॉगिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से निकलने गिरने के चांसेस नहीं है। बाकी इंटरचेंजेबल सॉफ्ट ईयर टिप्स और डिटेचेबल ईयर क्लिप्स हैं, तो सही साइज की ईयर टिप का इस्तेमाल करिएगा, और ईयर क्लिप्स अगर पसंद नहीं है तो निकाल के भी रख सकते हैं, डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैंने इनको 2-3 घंटे भी लगातार इस्तेमाल करके देखा, फिर भी कानों में कोई पेन वेन की दिक्कत नहीं हुई। सो हो सकता है आपको भी दिक्कत नहीं होगी, डिपेंड करता है आपके कान के भी शेप साइज के ऊपर, सभी के अलग अलग होते हैं। बाकी जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक ईयरबड्स हैं इनका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा होल्ड करके रखता है। इसके अलावा नेकबैंड के अंदर IPX5 वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो हल्के फुल्के स्वेट वेट या फिर पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मुझे तो इनकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन में कोई भी दिक्कत नहीं लगी, काफी ड्यूरेबल से हैं और दिखते भी अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट कनेक्शन और रेंज की बात करें तो नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के अंदर है ब्लूटूथ वर्जन 5.1। सो बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी एंड्रॉइड iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, और एक बार पेयर करने के बाद वापस से आप ऑफ करेंगे नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स को तो डिसकनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वापस से जब ऑन करेंगे तो क्विकली पेयर भी हो जाते हैं। और कनेक्शन रेंज भी अप टू 10 मीटर्स की, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं। और एक और अच्छी चीज ये है यहाँ पर डुअल पेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि एक साथ दो डिवाइसेस, मतलब कि अगर आप दो फोन रखते हैं दोनों से एक पेयर करके रख सकते हैं, या फिर एक लैपटॉप या फिर एक फोन के साथ में भी सेम टाइम पर पेयर कर सकते हैं, तो ये काफी यूजफुल हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल्स की बात करें तो राइट साइड में यहाँ पर 3 कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं जिनके जरिए मल्टी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली सेंटर में जो मल्टी फंक्शनल बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑन कर सकते हैं, वापस से 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ऑफ कर सकते हैं। कानों में वॉइस प्रॉम्प्ट भी सुनाई देता है, पावर ऑन, पेयरिंग मोड। बाकी इसी सेंटर वाले बटन के जरिए प्ले पॉज कर सकते हैं म्यूजिक के दौरान किसी भी ट्रैक को, वॉल्यूम प्लस और माइनस के जरिए शॉर्ट प्रेस करके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज तो कर ही सकते हैं, साथ में वॉल्यूम प्लस को प्रेस एंड होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए तो आप ट्रैक को नेक्स्ट कर पाएंगे, और वॉल्यूम माइनस को प्रेस एंड होल्ड करके आप ट्रैक को प्रीवियस स्पीक कर सकते हैं, और सेंटर वाले बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके वॉइस असिस्टेंट मतलब कि सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी सेंटर वाले बटन को 2 बार शॉर्ट प्रेस करेंगे तो आप रीडायल कर पाएंगे लास्ट डायल नंबर को, बात करने के बाद शॉर्ट प्रेस करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल आ रहा है प्रेस एंड होल्ड करके कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स वगैरह काफी रेस्पॉन्सिव है, अच्छे से काम करते हैं, और बटन्स का फीडबैक भी मैं बोलूंगा अच्छा है, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट साउंड आउटपुट की बात करें तो ईयरबड्स के अंदर मिलते हैं 10mm के ड्राइवर यूनिट्स, तो अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वहां पर जितने भी वोकल्स होते हैं अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट के साउंड होते हैं वो ठीक ठाक तरीके से सुनने को मिल जाते हैं इन नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के जरिए। हाई, लो, मीडियम फ्रिक्वेंसी के जितने भी साउंड हैं उनमें जो साउंड सेपरेशन है वो भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक तरीके से ही मिलता है इन नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के जरिए। ट्रेबल भी ठीक ठाक है, बेस में बोलूंगा अच्छी क्वालिटी का है,
थोड़ा सा हैवी डीप बेस अगर आपको चाहिए तो आपको जरूर से इन नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन से मिल जाएगा। बाकी जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है वेल बैलेंस्ड है, अप टू 70-80% वॉल्यूम, 90-100% वॉल्यूम पर थोड़ा बहुत आपको डिस्टॉर्शन मिल सकता है। इनके बारे में यही बोलूंगा, थोड़ा सा बेसियर साइड वाले नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं, मुझे पर्सनली थोड़े से बैलेंस साउंड आउटपुट वाले नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स ज्यादा पसंद आते हैं। वैसे मैं आपको अगर रेटिंग्स के हिसाब से बताना चाहूं इनका साउंड आउटपुट, तो मैं जरूर से इनको देना चाहूंगा 3.5 out of 5, जो कि अच्छे से थोड़ा सा ऊपर है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। बाकी कॉलिंग के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉलिंग के लिए यहाँ पर ENC टेक्नोलॉजी मतलब कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है। जब आप नेकबैंड के जरिए बात करेंगे तो आसपास का नॉइस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये रहा सैंपल जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग जा रहा होगा। और एक चीज और, यहाँ पर वाइब्रेशन अलर्ट भी मिलता है, किसी का कॉल आ रहा है तो वाइब्रेट होते हैं नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स, लेकिन वाइब्रेशन को शांत करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। तो आपको कॉल पिक करना पड़ेगा या डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा उसको शांत करने के लिए। बाकी ऑडियो डिले की बात करें तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डिले नहीं लगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर लो लेटेंसी मिलती है अप टू 80 मिली सेकेंड। कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है, लेकिन लिप सिंक वगैरह होते हैं और हल्का फुल्का गेमिंग के लिए चाहिए तो वो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके चार्जिंग और यूसेज टाइम के बारे में, तो पहली चीज तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट चार्ज करके 6 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और फुल चार्ज करने में लग जाता है 1 आवर, और 1 घंटा चार्ज करके लगातार 20 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, और कॉलिंग के लिए 18 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा ये डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम लेवल्स पर, अगर पूरे ही टाइम फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे तो जरूर से जो यूसेज टाइम है थोड़ा सा कम हो सकता है। मेरे यूसेज के हिसाब से मुझे 15-16 घंटे का मिक्स्ड यूसेज में यूसेज टाइम मिल गया था, जो कि मैं बोलूंगा अच्छा है। फाइनली मैं समअप करूं तो अभी के लिए इनका जो प्राइस है वो है 1000 रुपए में, 1 रुपया कम, मतलब कि 999। और उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो डिजाइन मिल रहा है, जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, प्राइस के हिसाब से मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। साथ में जो कंट्रोल्स वगैरह है वो भी अच्छे हैं, कनेक्शन रेंज की कोई भी दिक्कत नहीं है, चार्जिंग टाइम यूसेज टाइम भी अच्छा है, साउंड आउटपुट भी अच्छा है नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स का, और कॉलिंग के लिए भी ठीक ठाक तरीके से काम कर जाते हैं। और हल्का फुल्का गेमिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इनको इस्तेमाल कर पाएंगे बड़े आराम से। सो प्राइस के हिसाब से ओवरऑल ये एक काफी वैल्यू फॉर मनी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स बन जाते हैं। अगर आप बाय करने को सोच रहे हैं तो जरूर से इनको कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है, बेस्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहां से डायरेक्टली अगर आप चेक कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। बाकी आप बताएगा आपको कैसे लगे ये वाले नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स नीचे कमेंट्स में जाकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।